Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, in the last class I taught you about the imperative sentences in direct speech and indirect speech. कि कैसे चेंज करते हैं किसी भी इंपरेटिव सेंटेंसेस को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. Do you know about the exclamatory sentences? Have you ever heard about the exclamatory sentences? सुना होगा किसी ने, मतलब किसी ने सुना भी होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य. मीन्स जिसमें कोई बात दुख के साथ कही जाए, कोई बात आश्चर्य के साथ कही जाए, कोई बात खुशी के साथ कही जाए, तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं. इसमें हम एक्सक्लेम करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम किस तरह से किसको क्या लगा कर चेंज करेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. Can I help you, madam? Well, could you tell me which bus will take me to the cloth market? Bus number 40. I see. Does this bus leave at short intervals? Yes, ma'am. It leaves almost every 30 minutes. How long will it take me to reach there? About 15 minutes. When is the next bus due? Just under 2 minutes. Thank you for the information. You are welcome, ma'am. Friends, exclamatory sentences होता क्या है? जिसमें खुशी, हर्ष, उल्लास, दुख, आश्चर्य, ये सब व्यक्त किया जा रहा हो, उसको हम exclamatory sentences बोलते हैं. जिसमें मैं खुशी के साथ बोलूँ किसी चीज, किसी फूल को देखकर या किसी हाथी को देखकर बोलूँ, वाओ, कितना बड़ा हाथी है. दिस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. किसी फूल को लेकर बोलेंगे, वाओ, कितना सुंदर फूल है, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज. दिस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. दुख के साथ बोलेंगे कि ओफ, हाय, मेरा कुत्ता मर गया. दिस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. मीन्स इसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं. तो इसको हम बनाना सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं. He said, "Alas, I am ruined." उसने दुख से कहा, आह, अलास, हाय, मैं बर्बाद हो गया. हाय, मैं बर्बाद हो गया. This is the means किसके साथ बोला जा रहा है? दुख के साथ बोला जा रहा है कि खुशी के साथ बोला जा रहा है कि हर्ष के साथ बोला जा रहा है? ये चीज आपको समझना है. अगर दुख के साथ बोला जा रहा है तो exclaimed with joy बोलेंगे. अगर खुशी के साथ बोला जा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरी. अगर दुख के साथ बोला जा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो बोलेंगे. अगर खुशी के साथ बोला जा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय बोलेंगे. अगर आश्चर्यचकित होकर बोला जा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड. ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम बोलेंगे. और सेंटेंस को बनाते वक्त हम इन्वर्टेड कमा जो होता है, इन्वर्टेड कमा जो होता है, ये इसको हटाने के बाद हम दैट लगाते हैं. इसमें हम दैट लगाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम एक एक करके बनाते जाते हैं. ही सेड अलास, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट लिखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, यहाँ पर दैट लगाएंगे. उसके बाद कौन बोल रहा है? यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. तो ही है, तो ही वॉज रूइंड. ही वॉज रूइंड. ठीक है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे पास्ट है, इसके लिए हमने इसको भी पास्ट में चेंज कर दिया. वो मैंने आपको पहले बताया था, बता दिया हूँ मैं. तो ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज. ये हम बोलते वक्त कैसा महसूस होता है कि कितनी सुंदर लड़की है ये, मतलब
खुशी महसूस होती है, आनंद आनंद का अनुभूति होता है। मीन्स हम कैसा फील करते हैं? खुशी। तो यहां पर हम बोलेंगे ही एक्सक्लेम्ड, विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हाउ ब्यूटिफुल द गर्ल इज। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं कि द गर्ल वॉज, ऐसा हम लिखेंगे यहां से, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट में ब्यूटीफुल है, अगर मैंने आधा ही लिखा है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से हम लिखेंगे। मीन्स वो एक्सक्लेमेटरी से हट के पॉजिटिव में हो जाएगा, इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तीसरा, शी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स। तो शी एक्सक्लेम्ड, अभी किसके साथ बोला जा रहा है, खुशी के साथ या आश्चर्य के साथ, किसके साथ बोला जा रहा है? तो खुशी के साथ बोला जा रहा है, क्योंकि किसी भी माँ को बहुत खुशी होती है जब अपने बेटों को दौड़ते हुए देखता है, देखती है, सॉरी, जॉय दैट हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, माई बेबी रन्स। तो सी है इसके यहाँ पे, हर हो जाएगा, हर बेबी रन वेरी फास्ट। हर बेबी रन वेरी फास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ही सेड व्हाट अ प्लेस। उसने कहा कि क्या जगह है, मीन्स खुशी, सिंपल। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अभी व्हाट अ प्लेस, तो व्हाट अ प्लेस है, लेकिन यहाँ पर इट छुपा हुआ है, व्हाट अ प्लेस इट इज। यहाँ पर हम इट इज लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इट इज, अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, व्हाट अ प्लेस इट इज। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जॉय, कि इट वॉज वेरी नाइस प्लेस, इट वॉज वेरी नाइस प्लेस, मीन्स उसके सुंदरता के बारे में, हम मीन्स हम उसके सुंदरता के बारे में बोल रहे हैं ना, कि क्या जगह है, सुंदर है, तो ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, नाइस भी लिख सकते हैं। ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, उसने मतलब खींच कर बोला, तो दुख से बोलेगा ना, कितना बेवकूफ हूं मैं, ये हम दुख के साथ बोलेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, सॉरी यहां पर मैंने दैट नहीं लिखा है, यहां पे दैट होगा, जो है दैट, यहां पे दैट भूल गया था मैं, तो आप दैट लगा लेना। He exclaimed with joy that it was very nice place. अभी है यहाँ पर with sorrow that he was a big fool. He was a big fool. ठीक है friends? यहाँ पर दुख के साथ बोला है, इसके लिए यहाँ पर हम sorrow लिखे हैं। ठीक है, राम said what an idea. तो राम exclaimed with joy, ठीक है, that it was very good idea, it was very good idea, ठीक है friends? राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज वेरी गुड आइडिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम दैट लगाते हैं इसमें सभी में, और हम सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस का जो भाव देखेंगे हम कि किस तरह से बोला जा रहा है, दुख के साथ बोला जा रहा है, खुशी के साथ बोली जा रही है, या आश्चर्य के साथ बोला जा रहा है, उसके हिसाब से हम
वो चीज डालेंगे वहां पे, सरप्राइज्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि क्या होने पर हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इस तरह से कैसे लगाएंगे, आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास, और आपको अच्छा कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपको समझ में भी आया होगा। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।